दोस्तों वीडियो में बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है और इसी बैकग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ टेक्निक यूज की है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे बैकग्राउंड जो है काफी इम्प्रूव हो गई है, मतलब उसका जो बैकग्राउंड है बहुत इम्प्रूव हो गया। ये कैसे हुआ, किस क्या रीजन क्या है इसका? और अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कुछ ऐसी है कि ये पीछे आप मुझे मेरे बैकग्राउंड देख रहे हो ग्रीन कलर का, यही पूरा गेम है, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ग्रीन स्क्रीन मैंने सेटअप किया हुआ है और इसके ही थ्रू मैं अपने बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है, ये ग्रीन स्क्रीन। तो दोस्तों यही है मेरा ग्रीन स्क्रीन, इसको मैंने टांगा हुआ है एक थ्रेड के थ्रू, एक मोटा सा थ्रेड है यहाँ से बांधा हुआ है और यहाँ पे लेके बांधा हुआ है। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैंने एक यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है जिससे शेडो नहीं आए, तो ये मैंने सीलिंग पे ही लगाया हुआ है लाइट। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑन कर लिया अपना सीलिंग लाइट जो शेडो को कट करता है और ये है हमारा ग्रीन स्क्रीन। और सामने के लिए मैंने ये लाइट लगाई हुई है, मैं ये आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्विच ऑन कर ली है लाइट जो मैं फ्रंट फेसिंग के लिए यूज करता हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो फ्रेम हमारा कुछ ऐसा होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा पूरा सेटअप कि मैंने कैसे किया हुआ, तो सेटअप कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ एक ग्रीन कर्टन को हैंग किया हुआ है एक थ्रेड से। और इसका जो कॉस्ट है ग्रीन स्क्रीन का कुछ ज्यादा नहीं है, अराउंड 400 रुपीज के आसपास मैंने परचेस किया था अमेजोन से और बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी तक मैंने बैकग्राउंड बहुत अच्छे अच्छे मैं यूज कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये परचेस करना है ग्रीन स्क्रीन तो मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो, 400 रुपीज की है। तो अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन स्क्रीन यूज करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। तो पहली चीज है कि आपको जब भी आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो तब आपका शेडो स्क्रीन स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ऊपर सीलिंग पे एक लाइट लगा दो, या जब भी मतलब ऊपर साइड में एक लाइट होना चाहिए और एक फ्रंट में एक लाइट होना चाहिए जिसके थ्रू आपको आपके फेस पे प्रॉपर लाइट है और ऊपर से जो ऊपर के जो सीलिंग की लाइट है उसके थ्रू आपका जो शेडो है वो नीचे आए। इसको सेटअप करने के लिए आप स्टैंड भी ले सकते हो, स्टैंड लेने के लिए भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। स्क्रीन कर्टेन की साइज की मैं बात करूं तो ये 8x12 साइज का आता है और एक्चुअली मटेरियल जो है थोड़ा सा थिन है, तो मतलब कभी कभी ट्रांसपेरेंट भी दिखता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको लपेट के, मतलब थोड़ा सा मैंने इसमें मतलब डबल करके करो और उसको सेफ्टी पिन से मैंने अटैच किया हुआ, तो आप उसी ढंग से आप भी कर सकते हो जिसमें आपका कम प्राइस में सस्ते से सस्ते में एकदम आपका अच्छा ग्रीन सेटअप हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो तो अगर और आप अपने बैकग्राउंड से खुश नहीं हो, वीडियो बैकग्राउंड से, तो आप इस ग्रीन स्क्रीन को यूज करो। आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत खुश होंगे इस को ग्रीन स्क्रीन को सेटअप करने के बाद। और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 445 रुपीज है, मतलब 450 रुपए में आपका पूरा काम हो जाएगा और आपको एक सीलिंग पे लाइट लगाने की, दैट्स इट, आपका बैकग्राउंड हो जाएगा एकदम सुपर। तो दोस्तों हम लोग ने अब तक बात की रिकॉर्डिंग की, ग्रीन स्क्रीन के थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग कर ले, अब इसको एडिट कैसे करते हैं तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि एक क्रोमा की करके ऑप्शन होता है आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, उसको यूज करना है और वहां पे जाके बैकग्राउंड आपको एडिट करना है, दैट्स इट, बस इतना ही करना है और आपका बैकग्राउंड हो जाएगा पूरा ब्लैक। तो आप उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा दो, पेरिस का लगा दो, अमेरिका का लगा दो, न्यूजीलैंड का लगा दो, आपको जहां का लगाना है वहां का लगा सकते हो, सब कुछ आपका आपके हाथ में ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग नए हैं आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करो, हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन करो और इसके लिए आपको 1 रुपए नहीं देने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा तो आपको एक चीज अनाउंस करने जा रहा हूं कि आज से मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव कर लिया है, वहां पे मैं अपने पोस्ट डालूंगा जहां पे आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में डिटेल्स देख सकते हो कि मैं वहां पे मतलब नेक्स्ट वीडियो कौन से आने वाली है, एडिटिंग कर रहा हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, आपको सारी अपडेट इंस्टा पे आते रहेगी। सो दोस्तों टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।